वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्वेश्चन पेपर। सो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ओके ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, 20 से 23। ओके और 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है और आपको 3 घंटे में अटेम्प्ट करना होता है। ओके सो बात कर लेते हैं हम क्वेश्चंस की। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट बोल रहा है डिफाइन करना है हमें स्टरलाइजेशन। ठीक है, स्टरलाइजेशन क्योंकि ये आता है आपका दो दो मार्क्स के हैं, ये इसमें से किसी 5 पे अटेम्प्ट करना है, 6 क्वेश्चंस हैं। देन आता है एम्पाइमा, थर्ड आता है एसएलई, ओके फूड एलर्जी, डायलिसिस एंड एसाइटिस। इसमें से आपको 5 में से जिस पे भी आता है आप लिख सकते हो। ओके इसके आप डेफिनेशन मांगोगे इजी इजी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो अब बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चंस पे। ओके विच इज़ दी डिफाइन ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके डिफाइन ट्यूबरक्यूलोसिस एंड एनलिस्ट करना है द कॉजेज ऑफ टीबी, कि टीबी का कारण क्या है एंड देन ट्यूबरक्यूलोसिस को डिफाइन करना है। सेकेंड क्वेश्चन आता है राइट डाउन द मैनेजमेंट ऑफ टीबी इंक्लूड डॉट्स थेरेपी। ओके डॉट्स थेरेपी को इंक्लूड करके मैनेजमेंट लिखना है। सो अब बात करते हैं हम डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट। ओके थेरेपी। सो बात करते हैं हम थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट है कि डिफाइन करना है कोलीलिथियासिस एंड एनलिस्ट करना है रिस्क फैक्टर ऑफ कोलीलिथियासिस का। सेकंड क्वेश्चन बी है एनलिस्ट करना है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर पेशेंट विथ कोलीलिथियासिस। ठीक है कि साइनस सिम्टम लिखना है और इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करना है जो कि कोलीलिथियासिस का क्या क्या आएगा, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या करेंगे, जो कि आप देख सकते हो ये 5 मार्क्स का है। ओके ये 5 मार्क्स का है। देन बात करते हैं सी राइट कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोलीलिथियासिस इंक्लूडिंग एनसीपी, ये 8 मार्क्स का है। एनसीपी इंक्लूड करके लिखना है हमें, एनसीपी भी इसके साथ लिखना है कोलीलिथियासिस का। बात कर लेते हैं फोर्थ की माइस्थीनिया ग्रेविस की। ये फोर्थ क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, देन 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का इसका सिम्टम्स और लिखना है। सो बात करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। सो माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है कि इनवॉलेंट्री मसल्स हो जाता है। ठीक है मसल जो इनवॉलेंट्री हो जाता है। सो बात करते हैं बी है कि इसका साइनस सिम्टम लिखना है माइस्थीनिया ग्रेविस का एंड देन राइट डाउन मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है पेशेंट का मेनिंजाइटिस के साथ। ठीक है ये मेनिंजाइटिस के साथ जो नर्सिंग मैनेजमेंट जो भी आता है सर्जिकल मैनेजमेंट वो लिखना है। ओके मेडिकल नर्सिंग एंड सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, उसमें आता है कसिंग सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, 10 मार्क्स का है। सो ये आपको करना है। ओके सो ये